आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि कोर्स ज़्यादा खींच रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है क्या कि ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा, कुछ ज़्यादा लंबा चला जा रहा है कोई टॉपिक, कुछ ऐसा महसूस हो रहा हो तो बताइए। देखो है ही इतना बड़ा, ये सेक्शन छोटा नहीं है, मजबूरियाँ हो जाती हैं। या तो ये है कि सीधा सीधा घुमा दिया जाए, ऊपर से निकाल दिया जाए सब, या तो ये है कि फिर आराम से रुक के एक एक चीज़ कराई जाए। जल्दबाजी क्यों है मुझे खुद नहीं पता है। जल्दबाजी क्यों अलाउद्दीन जी, जल्दबाजी तो है नहीं। तीन साल, हाँ, तीन चार साल बाद ग्रेजुएशन ही कंप्लीट होना है। देखो ये है ही ऐसा कुछ है, ये सिविल सर्विसेज में बहुत लंबा टाइम सिलेबस कंप्लीट करने में लगता है। आप लोग भी जल्दबाजी के चक्कर में, 90% लोग जल्दबाजी के चक्कर में आधा सिलेबस कंप्लीट करके एग्ज़ाम जाते हैं। बहुत क्लियरली आपको रेशियो पता चल सकता है इससे कि बहुत कम ही लोग हैं जो सिलेबस कंप्लीट करके पूरा फाइनल एग्ज़ाम देते होंगे। पूरा सिलेबस कंप्लीट करके बहुत कम ही होते हैं। तो यदि टाइम लग रहा है तो लगाया जा रहा है क्योंकि ज़रूरी है। बाकी तीन सब्जेक्ट एक साथ लेके चल रहे हैं हम, है ना, कम तो है नहीं, वो भी बहुत हैं यार आपका। तब भी देखा जाए ओवरऑल, जब से आप आए होंगे तब से बहुत सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए। यदि हम सितंबर से ही बात करें तो सितंबर से कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए होंगे। इथिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपका मार्च में फिर से शुरू करेंगे, कुछ क्लासेस रहेंगे। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ दो क्लासेस इकोनॉमिक्स की, जो बचे हुए सेक्शन है वो कंप्लीट कराया जाए। चार से ज़्यादा हो गई होंगी। इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस का टॉपिक भी हुआ है, एनवायरनमेंट हुआ है, इकोनॉमिक और इथिक्स, और पांचवा जो है आपका आईआर चल रहा है, छठवां आपका ज्योग्राफी चल रहा है। आईआर आपका लगभग ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। देखो अभी ज्योग्राफी ख़त्म करने में भाई मुझे लग जाएगा एक महीना और, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा पढ़ा है आपका। वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक एक महाद्वीप पढ़ाना है तो उसमें लगेगा टाइम। 5 मार्च तक मेरी प्लानिंग है कि इंडियन ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट कर दी जाए। 5 मार्च तक इंडियन ज्योग्राफी में अब क्या बचा है, उद्योग में है, आज उद्योग कंप्लीट करा के ही मैं जाऊंगा। उद्योग आज कंप्लीट होंगे, उद्योग के बाद दूसरा फिर आना है मुझे परिवहन सेक्शन में। परिवहन एक चैप्टर आपका बचा हुआ है, परिवहन के बाद आपका जनजातियों का चैप्टर बचा हुआ है। मापा प्रमुख प्रजातियाँ, जनजातियाँ, बस ये तीन चैप्टर आपके हैं। अब इसमें लगभग 2 से 3 दिन लग सकता है परिवहन में, क्योंकि अब मान लो एक दिन रेल परिवहन, एक दिन वायु परिवहन, एक दिन सड़क परिवहन, एक दिन जल परिवहन, तीन चार परिवहन। यहाँ पर जनजातियों में भी एक दिन का टाइम तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बहुत सारी पूरे देश की जनजातियाँ, प्रजातियाँ, नस्लें सब कुछ समझना है तो टाइम लगेगा इसमें भी। उद्योग हमने काफ़ी कुछ कर लिए हैं, आज ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका भारत का भूगोल ख़त्म। देखो कुछ नहीं, मैं ख़त्म अपनी तरफ से बोलूँगा भी नहीं ख़त्म, क्योंकि ये इतना बड़ा सेक्शन है, लेकिन तब भी मैंने काफ़ी कुछ लगभग करवा दिया। लेकिन अब चालू हो जाएगा, इसके तुरंत बाद हम इंटर कर जाएंगे। ख़त्म मैंने अभी तक ना इकोनॉमिक्स बोला है ना कुछ नहीं बोला है, मैं नहीं बोलूँगा ख़त्म, क्योंकि फिर बाद में भी हुआ टाइम मिला तो अभी उसे भी करवाना है और अपडेट होगा। इसके बाद दूसरे में इंटर करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहले मैं शुरुआत में जो क्लास कराता हूँ, पहले मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में देश और राजधानी और मुद्रा यानी लोकेशंस दिखाऊंगा कि यहाँ पे ये देश है, यहाँ पे ये देश है, यहाँ पे ये देश है, एशिया में इतने हैं, पूर्वी एशिया में इतने हैं, दक्षिणी एशिया में इतने हैं, आज दक्षिण पूर्वी एशिया में, ऐसे करके कैटेगरीफाइज करेंगे। फिर अफ्रीका में जाएंगे, अफ्रीका की सारी कंट्री, उसकी राजधानी, लोकेशन। पहली 2-3-4 क्लासेस लोकेशन बेस ही होती, ताकि आपको कोई भी कंट्री आपके दिमाग में आए तो तुरंत उसका मैप उभर के आ जाए। वो मैप में ही हम प्रैक्टिस करेंगे 3 से 4 दिन। उत्तरी अमेरिका को अलग, दक्षिणी अमेरिका को अलग, यहाँ तक कि मैं छोटी छोटी कंट्री पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, जो द्वीपीय कंट्री हैं उनको भी देखेंगे। तो काफ़ी ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी में है कि पहले ये तो ये क्लास चलती है। फिर इसके बाद शुरू होता है कि कॉन्टिनेंट उठाया जाता है। पहले आपका उत्तरी अमेरिका उठा लिया, तो उत्तरी अमेरिका की एक तरफ से पूरी नदियाँ देख डाला, उसके पहाड़ देख डाले, उसके पर्वत देख डाले, उसकी पीक देख डाली, वहाँ पे लेक्स कौन कौन सी हैं, जो चीज़ें भारत के भूगोल में पड़ी है वहीं फिर क्षेत्रीय भूगोल में चालू हो जाती है। फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीप भी मैं पढ़ाता हूँ, जो लास्ट मैंने ज्योग्राफी का बैच। तो एक लंबा सेक्शन वहाँ पर भी चलेगा आपका,
लोकेशन बेस्ड, और आपकी अच्छी और सुव्यवस्थित जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन टाइम लगता है। देखो अब ये चीज़ ऐसी है नहीं कि है ना कि खाया बनाया और ख़त्म, ये सब चीज़ों में टाइम लगता है थोड़ा सा। अब या तो फिर बहुत इसको सिंपली लोग करते क्या हैं, एक ही क्लास में कहो तो एक ही क्लास में ख़त्म कर किया जा सकता है, वो भी एक दूसरा विकल्प है। रही बात अब वर्ल्ड हिस्ट्री की, दूसरा आपका दूसरी तरफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी चल रहा है। अरे सब्जेक्ट तो ज़्यादा है, तीन आपका, एक तो वर्ल्ड सातवां सब्जेक्ट भी चल रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने काफ़ी सेक्शन कर लिए हैं, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। उसमें क्या बचा है आपका, अभी जो IR है क्या बचा है उसमें, उसमें आपके क्षेत्रीय जितने सार कंट्रीज़ हो चुकी हैं एक एक करके, भारत पाकिस्तान भारत मालदीव सारे एक एक, ये सारे हो गए। और इसके बाद संगठन भी शायद करवाए गए हैं आपके, सारे संगठन हो गए। और भारत अमेरिका भारत रसिया भारत रसिया, और अब मानते तो आप लोग भी नहीं हो, जापान भी पढ़ना है, इसके बाद फिर भारत भारत युगांडा संबंध भी पढ़ना है, भारत रवांडा भी पढ़ना है, मानना नहीं है, उधर भी दिल नहीं भर रहा, इतने सारे देश हैं सब पढ़। अच्छा युगांडा रवांडा जाते हैं क्या, सोमालिया युगांडा रवांडा, तो एक एक जो है फिर ऐसे करके तो फिर बहुत, लेकिन पूछता है अब जो प्रीवियस ईयर, एक तो सबसे बड़ी समस्या है आप में से 90% लोग साथ दिक्कत है पिछले साल के क्वेश्चन नहीं देखना, दिमाग में पता नहीं क्या दिक्कत है आपके, पिछले साल के क्वेश्चन कोई नहीं। अब जैसे कि आप जो बैठते हो, अब मान लो IR में ही आप क्लास में बैठते हो तो साथ में रखा करो पिछले साल के क्वेश्चन, कितना बड़ा काम है। साथ में एक छोटी सी क्या बुकलेट लेके नहीं आ सकते पिछले साल के क्वेश्चन की, साथ साथ देखते चले कि क्या चल रहा है, क्या पूछा जा रहा है। अब उसमें भी पता चलेगा कि ऐसा भी पूछा है, भारत युगांडा संबंध भी पूछे जा रहे हैं, मैं ऐसे नहीं बोल दिया, पूछे गए हैं क्वेश्चन, जाके देखिए एक बार, मेरी बात में आपको शायद भरोसा ना लगे। भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो क्या सही पढ़ाया जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। देखो यदि चेक नहीं करोगे, क्योंकि कल के दिन जाके आपको टेस्ट में आपका वो क्वेश्चन फंसना चाहिए जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, तब तो बात बन रही है, नहीं तो फिर क्या है, इतना ज़्यादा पढ़ा देने के बाद भी चीज़ें यदि वहाँ नहीं फंसती तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। ये चेक आपको करना पड़ेगा बीच बीच में, लेकिन अब वो चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं है, अभी भी आप लोग जो है उसी चीज़ में। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मैंने काफ़ी कुछ करा दिया वर्ल्ड हिस्ट्री में भी, आपका औद्योगिक क्रांति हो गई, अमेरिकी क्रांति हो गई, फ्रांसीसी क्रांति हो गई, रशियन क्रांति हो गई, इसके अलावा साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद हो गया, और क्या क्या हो गया, प्रबोधन पुनर्जागरण काल, ये सब सेक्शन हो गए हैं। अब बचा क्या क्या है, देखो अब एक पहले अभी दो विश्व युद्ध बचे हैं, प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध, लेकिन उससे पहले आज मैं राष्ट्र राज्य प्रणाली मैंने पढ़ाया था, नेशन स्टेट सिस्टम शुरू हुआ है जिसमें राष्ट्रवाद के बारे में, और आज जो है राष्ट्रवाद के उदय कैसे हुआ, कैसे यूरोप के कंट्री एक नेशन के रूप में एक साथ बन गए वेस्टफेलिया की संधि, और वेस्टफेलिया के बाद जो है फिर इटली का एकीकरण हुआ एक राष्ट्रीय बना, फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ एक राष्ट्रीय बना। अब इसमें भी दो तरीके होते हैं, एक होता है कि इसको बहुत शॉर्टकट में ग्राफ में पढ़ा के निकल जाऊं, आमतौर पे ये हो सकता है, दूसरा तरीका कि इसको डिटेल से पढ़ा जाए, पांच चरणों में इटली का एकीकरण हुआ पांच के पांचों चरण पढ़े जाए, फिर कैबूर की क्या भूमिका रही इटली के एकीकरण में, मेजनी की क्या भूमिका रही, मेजनी का नाम सुना है, बहुत सारे जो हमारा स्वतंत्रता, जैसे कि मेजनी ने यंग इटली आंदोलन चलाया था इटली में, गणतंत्रवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ था मेजनी, वैसे ही भारत में यंग बंगाल आंदोलन चलाया गया, कौन थे पर्सन ये, किसने चलाया था यंग बंगाल आंदोलन, हाँ डिरेजियो ने चलाया था। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे अब देखो विश्व भूगोल बाद में जाकर के विश्व इतिहास जाकर के इंडियन हिस्ट्री से जुड़ जाएगा। अब दो तरीके होते हैं, या तो आप डिटेल से पढ़ लो ताकि कल के दिन लिंक कर पाओ चीज़ों को, क्योंकि पूछ भी ऐसा रहा है, या फिर ये होता है कि आप ऊपरी स्तर से पढ़ के निकल जाओ, जो मैं चाहता नहीं हूँ, डिटेल से पढ़ाने में टाइम लगता है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, वैकल्पिक विषय बन रहा है, मैं साफ सीधी सी बात बता दूँ, कल के दिन जब वैकल्पिक विषय का चुनाव की बात आएगी तो हिस्ट्री में ही आपको देना है, ये भी मुझे पता है, नहीं हो लिख के ले लो आज, आप पढ़ लो जो भी वैकल्पिक विषय, ठीक है, लेकिन आप बाद में इतिहास वैकल्पिक विषय में ना लिख के आए तो बताइएगा, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ।
जो लोग बिल्कुल ऐसे ही दिमाग सही कर रहे हैं ना, तो क्योंकि मुझे पता है होता है आमतौर पे, मैं इसीलिए उसको लेबल ज़्यादा नहीं, ऑप्शनल और अलग होता है, ऑप्शनल में तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी करवाई जा सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको तब भी इतना करवा दे रहा हूँ कि आप ऑप्शनल में भी डिगेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है। यदि किसी को भरोसा ना हो तो यहाँ पे सीमा जी आज गायब हैं, है ना, ट्रैफिक में है, ट्रैफिक में है आज, उनके पास बस्ता भी होगा बड़ा सा। मैं धीरे धीरे सिस्टमेटिक कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ आप लोगों का सहयोग रहे। एक तो सबसे बड़ी समस्या, आप लोग अनुपस्थित रहते हैं, आज कोई आया कल नहीं आया, एक तो मुझे सबसे बड़ी चिंता ये रहती है। तो अच्छा है कि सबको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी कर दिया जाए, दोनों एक साथ कर दिया जाए, फिर उसमें और बहुत संकट लग रहा है मुझे, उसमें संकट बढ़ जाएगा। ज़रूरी है तो ऑनलाइन ही हो जाइए फाइनली, और क्या, वो भी हो सकता है ना, क्यों संकट नहीं बढ़ेगा सर, क्योंकि जो लोग ऑफलाइन करते हैं तो उन्हें ऑनलाइन करना ही नहीं, आप अपनी तरफ से दे रहे हैं। वो तो मैं दे रहा हूँ, वो तो मैं, मेरे अंदर ये है कि भाई क्या फ़ायदा, ऑनलाइन ऑनलाइन वाले एक बेनिफिट ले रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ ऑफलाइन वाले उनसे ज़्यादा लें, आप साथ में हो सामने हो, लें तो बराबर बराबर, नहीं तो ऑनलाइन वाले भड़क जाएंगे, संख्या उनकी ज़्यादा है, आज 42वां बैच शायद आज कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत सिस्टमेटिक चल रहे हैं, क्योंकि क्लासेस जाती हैं, वो अपना करते हैं, अपना नोट सबमिट करते रहते हैं, अपना उनका काम ओके है। लेकिन ऑफलाइन वाले क्या है कि जो गायब हुआ सो गायब, अब इसमें आधे चले गए एग्ज़ाम देने, आधे लोगों के अब किसी का वो आ गया, सब बता दिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्यों, क्या नाम है आपका, नाम भूल जाता हूँ मैं, हाँ देव जी, बीच बीच में इतने सारे एग्जाम भरे हुए हैं कि कोई भी बीच में आ जा रहा है, एक शांत मस्तिष्क है ही नहीं, शांत वातावरण है ही नहीं, शांत वो सारी चीज़ें नहीं है कि बढ़िया आए, सुव्यवस्थित रूप से तैयारी शुरू हो गई, लेकिन अब उतला, आप जानते हैं गर्मी का माहौल चालू हो रहा है, अब धीरे धीरे आप लोग बसंत ऋतु, अब ग्रीष्म ऋतु में तब्दील होने जा रही है, होली के बाद से गर्मी आ जाएगी, ये सब तो अब और थोड़ा आलस्य बढ़ेगा, गर्मी आने का मतलब है आलस्य का बढ़ना, दिमाग भी थोड़ा सा काम करने पे गर्म हीट हो जाएगा, यही गर्मी मार देगा, रात में भी गर्मी लगेगी, तो एक पूरा इन्वायरमेंट आपका गर्म होने वाला, पूरा पूरे ऋतु परिवर्तन होने जा रहा है, तो कुछ तो स्वाइन फ्लू के शिकार हो सकते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया तैयार, इसी टाइम ट्रांजिशन फेज जब होता है ऋतुओं का तो बहुत सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम होता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, तो कुछ तो उसके शिकार होने वाले हैं, तो आधे ज़्यादा तो इसी कि मुझे टाइफाइड हो गया, कुछ कहेंगे कि मतलब ये मुझे एक मिल जाए आप लोगों की तरफ से सियोरिटी कि बिल्कुल सब सर ओके, आप कुछ नहीं, बस सिंपली बस पढ़ना है जाना है, पढ़ना है जाना है, टाइम कितना लग रहा है लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कर लो, मैं तो किताब भी बताया हूँ साथ में विश्व इतिहास की, लेकिन उससे भी नहीं समझ में आ रहा है, तो उससे नहीं आ रहा तो यहीं पे थोड़ा टाइम दे करके चीज़ों को ज़्यादा करके पढ़ लेते हैं, लिखवाना मजबूरी है, कहो तो लिखवाएं, एक भी नहीं दिया, आप लोग एक बार ओके बोल दो कि लिखवाना नहीं है, तब तो मैं 10 दिन में अंदर कोर्स ख़त्म, ये सबसे टाइम तो लिखवाने में लगता है, ग्राफ बनाते चले जाना है, कितना टाइम लगना है, ग्राफिंग 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 सब कंप्लीट, क्यों जुबैर जी, तो लिखवाना मजबूरी है क्योंकि वो आपके पास रहेगा, और ये इतना सफिशेंट मैं लिखवा रहा हूँ, अब मुझको इतिहास जब मेरे सामने आता है ना, विश्व खत्म होगा, फिर मेरे आधुनिक चालू करना है, फिर इसके बाद मध्यकालीन, फिर प्राचीन इस बार प्लानिंग ये है कि इस बार विश्व के बाद आधुनिक चालू करें, फिर प्राचीन, फिर मध्यकालीन, फिर सीधा हो जाएंगे, क्योंकि आधुनिक एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, और आमतौर पर गड़बड़ क्या होता है कि यदि मैं प्राचीन से शुरू करूँगा तो आधुनिक आते आते एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, फिर आपका भी मन नहीं करेगा इतिहास पढ़ाने का, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसलिए मैं पहले क्या करूँगा, 2-3 क्लासों में आपको प्राचीन से आधुनिक तक का पूरा ओवरव्यू दे दूंगा कि शुरू से क्या क्या घटना घटती चली गई, एक ग्राफ बना करके पूरी घटना जोड़ देंगे, लिंक कर देंगे शुरू से अंत तक की, और लिंक करने के बाद बता देंगे कि ये वाला सेक्शन हम उठा रहे हैं, तो टाइम लगता है आधुनिक ख़त्म करने में ही 1.5 महीना कम से कम लग जाता है, ज़्यादा भी लग सकता है, टाइम की दिक्कत यदि आप मुझे छोड़ दो, टाइम बाउंडेशन इससे यदि छोड़ दो, तो मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा करा दूंगा कि गारंटेड बोल रहा हूँ, वो नोट्स आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे, पर्सनली अपना
टाइम बाउंडेशन का मतलब ये है कि कम से कम एक साल तो लगता है ना सिलेबस कंप्लीट करने में। 2020 में नहीं, एक साल की बात हमारी सिलेबस कंप्लीट करने की हुई है ना, तो एक साल में आपका कंप्लीट होगा पूरा सिलेबस। हाँ, आपका एक एक से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया से, बेहतरीन से, और रिवीजन भी लास्ट मोमेंट में कराऊंगा। बस ये कि आप अंत तक देखो, जानते हो जब से ये संस्था शुरू हुई होगी इसमें जो भी आया होगा तो उसकी अभी तक मेरे दिमाग में छवि बनी हुई है, अभी भी चिंता भी रहती है कि वो क्या कर रहा होगा, जा रहा है कि नहीं, संपर्क हो रहा है, यदि नहीं भी हो रहा तो भी टेंशन में रहता है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, एक एक पर्सन दिमाग में रहता है। अब इसीलिए धीरे धीरे मैं सिस्टम क्रिएट करने में कि एक बार सिस्टम बन जाए, बस सिस्टम में एक ट्रैकिंग सिस्टम बन जाए कि ट्रैक कर लिया जाए इन लोगों को किसी तरीके से, ऑफलाइन का भी बन रहा है ऑनलाइन का भी बन रहा है, और एक बार बन के वो सेटअप हो गया ना तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। घर में भी आपके पास अपना पर्सनल पैनल होगा, वहीं पे खोल के अपडेट कर देना हर चीज़ को, बोलना नहीं पड़ेगा ये चीज़ लाओ मैनुअली। कितना लोगों का देखोगे आप, एक देखो दो चीज़ें हैं, एक तो हो सके कि एक पर्सन रख दिया जाए, 3-4-5 लोग एसोसिएट में रख दिए जाए, ठीक है, ये भी एक विकल्प बन सकता है। दूसरा विकल्प ये बन सकता है कि एसोसिएट में रखने के साथ साथ जो है एक पर्सनली एक एक चीज़ को देखी सुनी जाए, लेकिन अब उसके लिए इतना नहीं है कि आपके पास या तो टाइम हो, बहुत ज़्यादा टाइम हो कि इनफ आप हर चीज़ को जाकर के टैकल कर सके, देख सके, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि समय, और दूसरा क्या है कि सहयोग भी ज़रूरी है आप लोगों का। आप कोई छोटे छोटे बहानों में को लेकर के आप लोग इरेगुलर रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है इस एग्ज़ाम की, जो कंटिन्यूस नहीं रहता है वो कहीं ना कहीं पर बहुत बुरी तरीके से फंसेगा। ये चीज़ मैं मतलब लिख के दे सकता हूँ, 1.5 साल तक तो आपको कहीं आना जाना कुछ भी नहीं करना चाहिए, 1.5 साल तक, एक बड़ा समय, बड़ा संघर्ष, बड़ा टाइम, बड़ी सब कुछ बड़ा लेता है, बड़ा ऐसे मिलता नहीं है। अभी क्या हुआ है, अभी रिजल्ट आए हुए हैं तो लोग उत्साहित हो गए हैं, ऐसे ऐसे लोगों के रिजल्ट आ गए हैं, लोग इतना मोटिवेटेड, इतना उत्साहित हो गए, लेकिन कभी उनके पीछे की हिस्ट्री तो उठा के देखिए कि वो कैसे निकले उन सब समस्याओं से। ऐसे थोड़ा ना कोई सेलेक्ट हो गया है, उनका इतिहास उठा के देखे, लोगों को ये पता चलता अच्छा ये सेलेक्ट हो गया, ये IAS बन गया, ये PCS बन गया, कभी बैठ के उससे पूछे कि भाई कैसे बने हो, तो वो दिल से बताएगा। वो भी जब आती है मीडिया, कुछ भी आती है तो कुछ भी बोल भी देता है वो, कि ज़्यादा बोल दूंगा तो कहीं डर ना जाए लोग। वो कैसे कैसे एक एक दिन वो भी डिमोटिवेट रहा होगा, एक एक दिन उसके साथ भी ऐसा रहा होगा कि पढ़ने में मन नहीं लगता रहा होगा, उसके साथ भी यही कंडीशन रही होगी कि फाइनेंशियली तंगी रही होगी, उसके साथ भी ऐसा ही रहा होगा कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हो सकता है वो कई अटेम्प्ट बेचारा नहीं हो पाया हो, कितनी बार इंटरव्यू दिया हो, लेकिन इसके बावजूद भी अंत तक लगा रहा और फाइनली आज जो है जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया। तो ये एक इतनी अच्छी जिम्मेदारी है, अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर शायद मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि आप लोग आए हो, देखो मैं जहाँ तक मुझे इतना पता है कि कोशिश यही है कि ईमानदारी बरती जाए हर जगह पे, ईमानदारी से, जैसे अब IR आप लोगों को पढ़ाई गई, आप IR का नोट्स कहीं भी जाके देख लो, कोई भी बुक में देख लो, कोई भी नोट्स देख लो, आपको उतना डिटेल से उन्होंने कराया। मैं इतिहास करा रहा हूँ विश्व इतिहास, तो मैं भी वही चीज़ बरत रहा हूँ। भूगोल करा रहा हूँ तो वही चीज़ बरतने का प्रयास कर रहा हूँ। हर सब्जेक्ट में ये चीज़ लेकर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका ऐसा ना हो जाए कि कोई चीज़ में हमसे अन्याय हो जाए, अंदर से ये चीज़ हम मेंटेन करके चल रहे हैं, और ये चीज़ को कभी करेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको क्या है, आपको तो बस ये पढ़ा दिया, यहाँ पे खाना पूर्ति के लिए नहीं बैठे ना, है ना, हम पानी पिला के नहीं भेजना चाहते, ये है कि बाकायदा सब चीज़ें हों, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर यदि आप लोग टाइम दें, सहयोग करें, अपने तरफ से इनिशिएट करें हर चीज़ को, तो कितना मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा मोटिवेट रहिए, सोचिए 1.5 साल 2 साल का समय लगता है, नॉर्मली लगता है सिलेबस कंप्लीट करने में, और यदि आप मेरे पास आए हैं तो मैंने हमेशा यही सलाह दी होगी कि भाई तब तक हमें एग्ज़ाम नहीं देना, मत सोचो एग्ज़ाम के बारे में, भूल जाओ कुछ समय के लिए, जब किसी चीज़ को भूल जाओ, इतना पढ़ो कि एग्ज़ाम भूल जाए, आपको सिलेक्शन याद ना रहे, सिर्फ सिलेबस याद रखे। तो यदि ये अवस्था तक पहुँचोगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, आपके दिमाग में बार बार आकर के भूल जाओ कुछ समय के लिए, सारी दुनिया से एक बार अलग कर लो अपने आप को, सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में आ जाओ। यदि दूसरी दुनिया आपको परेशान कर रही है तो बेहतर ही होगा कि पहले उसकी समस्याओं को निदान कराओ, नहीं तो दो चीज़ें एक साथ नहीं चल पाती, बड़ा मुश्किल होता है मेंटेन कर पाना, या तो वो चला लो या तो ये चला लो, कोई ना कोई आके आपकी लाइफ को परेशान कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, जो आउटपुट आपका जल्दी निकल सकता होगा उसमें टाइम लग जाएगा। 50 चीज़ें होती हैं,
यदि कुछ तरह की दिक्कत है, जहाँ तक जितनी संभव मेरे से मदद हो सकेगी मैं करूँगा पढ़ाई को लेकर के 100%। इसके अलावा जो अदर प्रॉब्लम है वो सब भी मैं जहाँ तक हो सकेगा करूँगा। लेकिन ये इसका मतलब है कि एक बार रेगुलर तो रहो सब लोग। ये तो ना रहे कि किसी का एक टॉपिक चला गया, मान लो उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, अरे चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन ही तो आते हैं मेंस से, चार पाँच क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते हैं। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखो। स्वास्थ्य को ध्यान रखना पता नहीं कितनी बड़ी बात है। एक घंटा ज़्यादा पढ़ते हो कम कर दो, लेकिन स्वास्थ्य को फिट रखो, उसके बिना कुछ नहीं होगा। हमारा हेल्थ ही है जो हमें अच्छा परफॉर्मेंस दिलाने के लिए तैयार रखेगा। शरीर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। सारी शुरुआत हेल्थ से होती है। अपने लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यदि कुछ है तो हेल्थ है, यही संपत्ति है। लेकिन अभी सबका दिमाग, किसी किसी का दिमाग चल रहा होगा कि कहीं 5,000 रुपये की जॉब ही मिल जाए। ये भी होता है, 5,000 की मिल जाए, 10,000 की मिल जाए तो मैं सिर्फ अपने खर्चे निकालूं। कुछ नहीं होता, दो चीज़ें एक साथ नहीं चलती। जिन लोगों को जॉब मिल चुकी है वो चाह रहे हैं कि अब कुछ दिन के लिए इसको सरकार ले ले, फिर बाद में जब मैं छोड़ूं तो दे दे। तो देखो देखो कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। वो लोग को मिल चुकी है तो वो छोड़ रहे हैं कि छुट्टी मिल जाए 1 साल 1.5 साल की, और जिनको नहीं मिली है वो चाह रहे हैं कि कुछ मिल जाए बस छोटा मोटा ताकि खर्चे निकल जाए। अरे भैया ऐसे नहीं होता है, खर्चे निकलने से एग्जाम नहीं चलता। इसमें पूरा एक फोकस चाहिए तभी जा करके आप अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। एक बार शांत मन से बैठो और एक पूरा अपने अंदर विल पावर क्रिएट करो कि मुझे 1.5 साल तक हिलना नहीं है कहीं से भी, फिर फाइनली एग्जाम दूंगा और फिर देखता हूँ कैसे नहीं होता है। एक बार, बस एक बार अपने अंदर वो एनर्जी लेकर के आओ और इसके बाद दो। एक बार रखो कि लक्ष्य मैंने चुन लिया, अब उसमें झोंक देना है अपने आप को पूरी तरीके से, इधर उधर कुछ नहीं होना चाहिए, पूरा लक्ष्य मेरा का मेरा होना चाहिए। यदि टारगेट कर लिया हमने तो अब लग जाओ, अब पूरा अब ये समझ लो कुछ नहीं। यदि एक बार हमारा ओखली में सिर गया है तो अब पढ़ने दो जिधर पढ़ रही हो। तो पहले वही कर लो, पहले वो फिर ये नहीं, साथ में ऐसा नहीं, दो चीज़ें नहीं चलती। मानिए एक बात नहीं चलती, नहीं चलती बड़ा मुश्किल होता है वो मजबूरी। फिर बाद में वही होता है कि टाइम वेस्टिंग करा देता है, इधर भी नहीं अच्छा कर पाओगे उधर भी नहीं कर पाओगे। पहले मैं कहता हूँ एक चीज़ से निपट लो, यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपको लगता है चाहे हेल्थ इशू हो चाहे कुछ भी, पहले उसे निपट लेते हैं अच्छे से तो आप बेहतर कर पाओगे। आप मुझे इतिहास में कोई बता दो, गांधी थे, गांधी वकालत करके आए हुए थे, वकालत और वो दोनों एक साथ नहीं चलाई उन्होंने, या तो आज़ादी की लड़ाई पे लड़े या तो उसे छोड़ दिया। एक चीज़ छोड़ना पड़ता है यदि आपको किसी, और उन्हीं का नाम है आज के समय में। बाकी बहुत सारे वकील रहे होंगे उस समय, नेहरू भी थे वकील है ना, पटेल भी थे वकील, बहुत सारे लोग थे। तो एक काम पे यदि आप फोकस करोगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट का क्वालिटी अच्छा होगा, आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। अब एक चीज़ क्या आप तय करते हो, देखो टाइम नहीं है हमारे पास, इस बात को समझिए, टाइम कैसे निकलता आपको नहीं पता चलेगा, समय बिल्कुल न्यूनतम है, धीरे 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 वो सरकता चला जा रहा है। हम अपना समय कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कहाँ कर रहे हो ताकि आउटपुट आए, इन्वेस्टमेंट उसकी देखो, डेली डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग लो अपने आप से कि आप आज आपने 10 मिनट निकालो रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन निकालो कि आज पूरा दिन आपने समय कहाँ डाला, बड़ी ईमानदारी से रिपोर्टिंग करो कि 10 मिनट मैंने इस चीज़ में डाल दिया, इधर डाल दिया, 2 घंटे इधर खराब हो गया, 4 घंटे इधर खराब हो गया। यदि समय की रिपोर्टिंग गलत आ रही है, निगेटिव आ रही है तो परिणाम नहीं आएगा, और यदि परिणाम नहीं आएगा तो एक समय के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और ये युवा अवस्था जो हमारी उम्र है ये उम्र किसी और चीज़ में चली जाएगी, अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। तो बेहतर है कि इसको हम एक सही डायरेक्शन में रखें और इस डायरेक्शन में सिर्फ झोंक दें अपने आप को और कुछ ना करें। लक्ष्य मिल गया है, दिमाग में नहीं रखे कब मिलेगा कैसे मिलेगा, ये साइड पे रखो। सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि ये राह है, ये चीज़ है, ये मेरी बुक्स हैं, आपको सिर्फ किताबों से लड़ना है अपने, किताब के साथ साथ थोड़ा सा अपने शरीर का ध्यान रखते हुए चलना है बस, और कुछ नहीं। सुबह बढ़िया एक हेल्दी लाइफ हो, टाइम से उठो, टाइम से सो, टाइम से अपना पूरा शेड्यूल हो, खाने पीने हर चीज़ का। क्या 1.5 साल तक ये नहीं कर सकते, करके तो देखिए, इतना ऊर्जा आ जाएगा, इतनी एनर्जी आ जाएगी। एक बार कोई, देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ साफ साफ समझा दूँ, जो भी चीज़ें हैं मार्केट में जितना कुछ भी है, जो आप एग्ज़ाम के लिए निकले हो, ठीक है, जो ये एग्ज़ाम के लिए निकले हो सिविल सर्विसेज के, इस एग्ज़ाम में बहुत सारे सोर्सेज आपको मिलेंगे। एक सोर्स कोचिंग होता है, एक सोर्स यहाँ पे बैठे हो, एक सोर्स है बस और कुछ नहीं, एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, ये एक स्रोत है आपको नॉलेज का, आपको उस लाइन का। दूसरा स्रोत बुक्स हैं, आपके पास हर चीज़ की बुक्स भी एक सोर्स है और कुछ नहीं।
कोई भी बुक खराब नहीं है। कोई बुक खराब कैसे हो सकती है? कोई भी सोर्स खराब नहीं है। उस सोर्स से मटेरियल लो बस, और मटेरियल लेके अपना बनाओ। बहुत सारे लोग, कल मेरे पास एक फ़ोन आया और बड़े अच्छे सुझाव दिया, हरियाणा पीसी हरियाणा से थे और बड़े इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के साथ काम कर चुके वो, और जो इसरो प्रमुख हैं करे सर, उनके उस पास भी मैंने, वो शायद दिल्ली पुलिस में थे, दिल्ली पुलिस में बोल रहे हैं, सात जॉब मैंने चेंज किए हैं, शायद करमवीर सिंह जी नाम है उनका, ऑनलाइन बैच 21 से जुड़े थे। कल उन्होंने फ़ोन किया, एक सुझाव दिया कि सर एक काम कीजिए, कि आप कह रहे थे कि आप बुक्स निकाल रहे हैं, तो एक काम करिए कि आप बुक्स सारी, जो नोट्स जो आप पढ़ा रहे हैं उसकी सारी बुक्स हमें प्रोवाइड करा दीजिए, तो हमें लिखना ना पड़े और सिर्फ हम आपको सुने। क्योंकि क्या होता है कि एक बार सुनना पड़ता है, फिर एक बार उसी को फिर से लिखना पड़ता है, बड़ा उनको लग रहा है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। मैंने उनको, उनकी सलाह को माना कि चलो बुक्स तो आनी ही आनी है, अभी नहीं, थोड़ा 6 महीने बाद मैं बुक्स निकालना प्रारंभ करूंगा, लेकिन फिर भी एक बात समझो, बुक्स की कमी है मार्केट में। एक बुक है, 500 बुक हैं, जैसे कि एक मर्ज की 1000 दवाएं हैं, हर फार्मेसी निकाल रही है, डॉक्टर रेडीज निकाल रही है, सिप्ला अलग निकाल रही है, अपोलो फार्मेसी अलग निकाल रही है, सब अलग अलग निकाल रही हैं, किसी की भी ले लीजिए आप। वैसे ही एक टॉपिक पे 500 बुक निकली हुई हैं, बुकों की कमी है? कोई बुक अपने आप में कमज़ोर है एक दूसरे से? कोई बुक कमज़ोर नहीं है। क्या DD बसु में कोई कमी है? क्या लक्ष्मीकांत कोई खराब बुक है? क्या रमेश सिंह कोई ख़राब बुक है? इकोनॉमिक्स में 10 बुकें हैं, पॉलिटी में 10 बुकें हैं, इसमें 10 बुकें हैं, एक चीज़ समझो, तब भी कोई बेनिफिट क्यों नहीं हुआ? खुद सब कुछ छोड़ो, NCERT इतनी उच्च कोटि की बुकें रखी हुई हैं हमारे पास, क्या फिर दिक्कत है? सब कुछ होते हुए भी क्यों नहीं हमें उस चीज़ की समस्या का समाधान मिल रहा? क्योंकि आप सेल्फ नोट्स नहीं बना रहे हैं। यदि आप खुद के नोट्स नहीं बना रहे हैं, वो आपका है, वही आपको बेनिफिट देगा। यहाँ पे जो आप लिख के जाते हो, ये तब भी मेरे नोट्स हैं। मैं इसका भी कहता हूँ कि इसको भी शॉर्ट करके बुलेट पॉइंट में लाओ, सिनॉप्सिस बनाना शुरू करो। टॉपर नोट्स नहीं बनाते, टॉपर बुलेट पॉइंट बनाते हैं, छोटा छोटा कर देते हैं उसको, 500 पेज को 10 पेज 15 पेज 20 पेज 50 पेज में भरने की कोशिश करते हैं, वो टॉपर होते हैं। एक बड़ी सी घटना को छोटा कर देना, यही एक क्वालिटी होती, तो खुद के नोट्स से आएगी भाई, ये तो इनकी मजबूरियां हैं। यदि ये शॉर्ट में लिख देंगे तो कहेंगे ये बुक खराब है, उनको डिटेल में लिखनी मजबूरी हो जाती है। अरे आपको पता है आपका एग्जाम 100-150 वर्ड आपसे पूछ रहा है, कल के दिन इंटरव्यू में बैठेंगे तो 3-4 कारण आपको पता होंगे, तो वहां भी काम चल जाएगा। तो क्यों ना हम ज़्यादा ना पढ़ के सिर्फ 100-150 वर्ड अपने पास इकट्ठा करते चलते जाएं हर टॉपिक में अपने सेल्फ नोट्स में। आपके पास सिलेबस है, सिलेबस को देखना है, उसके टॉपिक डिसाइड करना है, एक टॉपिक में कितने सब टॉपिक हो सकते हैं, सारे सब टॉपिक निकाल के सबके 5-5 पॉइंट इकट्ठे कर लेने हैं। एक सोर्स यहाँ पे है आपका, दूसरा सोर्स आपको एक बुक बता दी गई है, कोई भी बुक उठा लो, कोई बुक खराब नहीं है। यदि किसी में भारत की राजधानी लिखी होगी तो नई दिल्ली ही लिखी होगी, दूसरी लिखी होगी तो गलत है, वो चेक कर लीजिए बस। बाकी ऐसा क्या लिख देगा कोई, इधर उधर की बात थोड़ा ना कोई लिख देगा। तो एक चीज दिमाग में बैठा लो कि हमको सेल्फ नोट बनाना पड़ेगा, ये अपने खुद के होंगे, इस पे टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, प्री निकल जाएगा, मेंस में ये रहेगा कि चलो कैसे आप करें, अभी तो इतना सारा है, अभी से सेल्फ नोट बनाते चले जाओ। और साथ में PT के लिए मैंने आपको बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, वन लाइनर चीजें, घटना चक्र है अवेलेबल, उसको भी साथ साथ करते चले जाओ। टाइम की कमी कहाँ, मुझे टाइम समझ में नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर मैक्सिमम 9 घंटे देते हैं, मैक्सिमम 9 घंटे, इस चीज़ को समझिए। किसी दिन 6 भी देते हैं, लेकिन 9 इसलिए बोल रहा हूँ कि सुबह उठते होंगे, तैयार होते होंगे, है ना, बीच में ब्रेक भी मिलता है, फिर क्लास करते हैं, फिर ब्रेक मिलता है, फिर घर जाते होंगे, मैक्सिमम 9 से 10 नहीं होता है, ये आप टाइम यहाँ देते हैं। 8 घंटे आप सोते होंगे मान लो मैक्सिमम, यदि 8 से ज़्यादा जाता है तो दिक्कत है, 6 से 8 के बीच में रेशियो जाता होगा आपका, कभी 6 सो लिया, कभी 8 तक पहुंच गए, अब भी आपके पास टाइम बच रहा है, उस टाइम का यूटिलाइजेशन कहाँ पे कर रहे हैं? क्या सेल्फ नोट बनाने में नहीं कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तब भी आपके पास 7 से 8 घंटा बच रहे हैं, 7 से 8 घंटे को आप 4-5 घंटे भी यदि घर पे यूज कर रहे होंगे तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और मुझे एक चीज़ ये बताओ, दिमाग में ज़्यादा लोड डाल के क्या ज़्यादा काम हो जाएगा? अरे बिल्कुल आराम से चलते हैं, हंसते हंसते तैयारी करते हैं। कोई ज़रूरी है कि आप बिल्कुल टेंशन में रहकर कि हर काम को करें तभी हो पाएगा? हंसते हंसते कोई काम नहीं हो सकता है क्या? इतनी बड़ी बात है? समस्या क्या है, आपने बाहरी इन्वायरमेंट को अपने अंदर हावी कर दिया है, आपका आंतरिक जो पर्यावरण है वो भी खराब हो चुका है। बाहर के लोगों ने आपको इतना जद्दोजहद या किसी खबर को सुन करके या घर की बातें सुन करके घर की समस्याओं को अभी इस उम्र में अपने ऊपर ले करके, दरअसल सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट बड़ा मोरल हो जाता है, बड़ा इथिकल पर्सन हो जाता है, थोड़ा जानने लगता है देश दुनिया के बारे में, तो उसको लगता है कि अब मैं पूरा घर चलाऊँगा अभी से ही। अरे भाई थोड़ा सा टाइम दो, घर के नंबर आएगा, जब खुद की शादी होगी तो खुद ही घर कर चलवाने वाली आ जाएगी और फिर वो चलवाएगी बढ़िया कायदे से, ठीक है? वो ससुराल से एक डंडा लेकर आती हैं, फिर वो पिटाई होगी। और जो गर्ल्स हैं वो भी समझ लें इस बात को, शादी का एक प्रेशर जो होता है कि शादी करनी है, शादी के बाद कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए, क्योंकि क्या हाल है शिवानी जी, इनसे पूछिए, बताएंगे आपको क्या अनुभव होता है। एक और दबाव मिल जाता है सामने वाला, यदि बहुत समझदार मिल गया, बहुत काम करने वाला मिल गया, सब कुछ ओके है तो भी ठीक है, नहीं तो तब भी टेंशन। बहुत सारी टेंशन होती है औरतों के साथ, बहुत सारी दिक्कतें, क्योंकि क्या है कि ओवरऑल उनके साथ एक ही है, उनके डिपार्टमेंट वो चाहे जो भी पा जाएं, लेकिन एक डिपार्टमेंट उनका फाइनल पक्का रहता है। चाहे चाची के घर जाएं, चाहे बुआ के घर जाएं, चाहे अपने घर आएं, चाहे सास के घर जाएं, चाहे मायके आ जाएं, जहां भी जाएं, एक डिपार्टमेंट उनका फिक्स है। वो चाहे जितना हो जाए, चाहे जितनी कामकाजी हो जाए वो, क्योंकि समाज ऐसा रहा ना, सोसाइटी ऐसी रही ना, तो आप यदि अभी इस दौरान सिर्फ और सिर्फ फोकस पढ़ाई पे करेंगे तो बाकी चीज़ें सध जाएंगी, नहीं बाकी चीज़ों को सधने में टाइम लग जाएगा। अब समय नहीं बचा है, दिमाग में बैठा लो, यदि अभी आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अब करना शुरू हो जाओ। डेढ़ साल तक अपने आप को बंद कर दो, दिमाग इधर उधर से हटा दो, फैमिली को बोलने दो, उनको क्यों चुप कराना चाहते हो? उनका काम ही है बोलना, वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? कल मैंने एक कहानी आप लोगों को सुनाई थी कि कैसे एक फादर और एक माँ अपने बच्चे को कमियाँ निकालते रहते हैं, यदि वो कमियाँ नहीं निकालेंगे तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, उनकी मजबूरी है कमियाँ निकालना, जिस दिन उन्होंने निकालना बंद कर दिया। अच्छा चलो, एक बहुत बड़ी बात है, कभी इस चीज़ को सोचो, कोई व्यक्ति तो है जो आपको टोकता है? नहीं, आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई टोकता ही नहीं, ये भी आपकी खुद किस्मती है कि लोग आपका ध्यान देते हैं। टोक कौन किसको रहा, जो किसी का ध्यान दे रहा है कैसे भी करके, यदि आपका कोई ऐसा भी है कि शत्रु भी है, वो भी आपके बारे में दो शब्द सोच तो रहा है कि यार कहीं वो आगे तो नहीं निकल गया, उसकी टेंशन में आप हो तो समझो कुछ ना कुछ आपने कमा लिया। तब भी इतना भी यदि पॉजिटिवनेस आप लेकर आ जाओ तो भी आपको बड़ा अच्छा लगे, आप इरिटेट ना हो, परेशान ना हो। इस क्लास में जितने भी लोग हैं, मैं सबसे पहली बात आप लोगों को दो तीन बातें एक चीज़ बता दूं, या तो रेगुलर हो जाओ बहुत अच्छा लगेगा, और यदि रेगुलर नहीं हो रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि फिर चीज़ें हो पाएंगी ज़्यादा अच्छे से। कंटिन्यूस वे पे यदि हम नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। धीरे धीरे हम चले जा रहे हैं, धीरे धीरे टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, आपके छूटते जा रहे हैं, आपको लगेगा इधर से छाप लूँगा उधर से, कुछ नहीं होता। इसलिए प्लीज़ यदि आप आए हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि आप कंटिन्यूस रहें। जो आपको चाहिए एक बार मुझे बताइए, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। जो आपको लग रहा हो कि ये चीज़ कमी है, इस चीज़ को और बेहतर होना चाहिए, इसको और करना है, तो वो मैं उसके लिए मैं बैठा हूँ। लेकिन ओवरऑल आप लोगों का सहयोग तो ये है ना कि आप कम से कम आके बैठ जाओ, नहीं समझ में आ रहा तो समझाया जाएगा, नहीं होगा तो बताया जाएगा, नहीं होगा तो कुछ तो करो आप, आके बैठना भी ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, सब समझदार हो, समझा सकते हो किसी को भी, कोई भी यदि आपसे समझना चाहे तो उसे बहुत अच्छे समझा सकते हो। थोड़ा सा मुझे दुख होता है कि आप लोग आए हुए हो इतने दूर से, इतने हर जगह से, यदि कुछ चीज़ें चल रही हैं तो इसीलिए आए हो ताकि हो पाए, बाकी आपकी मर्जी। चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपने विषय वस्तु को। आज मुझे आप लोगों को कागज़ उद्योग पढ़ाना था, पेपर इंडस्ट्रीज़, तो आज मुझे पूरा कागज़ आपको कंप्लीट कराना है।